भाई साहब हाई जहाज बना रखा इसने तो, ये बहुत बुरी हालत है भाई, बहुत बुरी हालत है आपके सड़कों की। ओ भाई दोस्तों ध्यान से देखना, मैं मतलब बाइक को कैसे चढ़ाता हूँ, 100 cc बाइक को जो है चढ़ाने का तरीका क्या होता है वो जी। यहाँ से देखो अब कर देते हैं बाइक बंद, पेट्रोल नहीं हमारे पास। ये देखो जी फोर्थ गियर है, ये डाला थर्ड गियर रेस दी। राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो भाई आज हमारा है आखिरी दिन, बस निकल रहे हैं बद्रीनाथ से, दोनों जो है लोड हो चुकी है बाइक और सामान सारा पैक हो चुका है, बस अब निकलते हैं यहाँ से। एक बार फिर से दर्शन कर लो भाई बद्रीनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं। और भाई अभी टाइम रखा है 11:08 बजे, उठ गए थे हम और खाना वाना खाया हमने, सामान वान बांधा, तो इतने में भाई टाइम लग गया, क्या करे भाई। तो चलो अब चलते हैं। तो आज हमारा टारगेट होगा कम से कम 200 किलोमीटर तो करेंगे यार आज। घर तक का जो डिस्टेंस है वो 650 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर आज करेंगे क्योंकि मेन जो है 200 किलोमीटर ही है, वो रास्ता जो खराब है। चलो निकलते हैं यहाँ से। अभी 50 किलोमीटर चलानी पड़ेगी, रिजर्व में लगने वाली है ये। जय बद्री विशाल। तो भाई 2-3 दिनों के बाद अब फिर से बाइक पे बैठे भाई। तो जी एक बार और देख लो भाई बद्रीनाथ की पहाड़ियाँ, बद्रीनाथ का मौसम, यहाँ की गलियाँ। अब भाई अगले साल ही जो है मौका मिलेगा आपको दिखाएंगे। तो जी आते वक्त जो है यहाँ पे हमारा नाम नंबर वगैरह सब कुछ लिखा गया था, अब जाते वक्त व्हीकल नंबर नोट कर रहे हैं। तो जी यहाँ से देखो अब कर देते बाइक बंद क्योंकि पेट्रोल कम है और आगे आएगी चढ़ाई। तो अब यहाँ से जो है जितना आपने देखा हो पिछली वीडियो में बिल्कुल ऊपर चढ़ाई थी हमने, मतलब ये लगा लो 20 किलोमीटर जो था चढ़ाई थी, तो वो सारा कवर करेंगे अब भाई साहब। अभी भी हवा में ठंडक है। तो भाई मेरे को आगे वाले टायर में हवा थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है जी, थोड़ी सी हवा निकाल देते हैं। तो दोस्तों मैंने हवा थोड़ी सी इसलिए कम करी है, दो कारण है उसके। एक तो देखो ढलान है, ऊपर से रोड खराब है, रोड खराबी है, रोड़ी वगैरह है, रोड़ी वजह से रोड़ी वगैरह होती है, रोड खराब होता है तो हवा कम ही रखनी चाहिए, इससे जो है बाइक फिसलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और पीछे लिखा हुआ था हनुमान चट्टी जो है 10 किलोमीटर है। ओहो भाई साहब ठंडी ठंडी हवा लग रही है, क्या बात है क्या बात है। अरे वाह रोड तो बढ़िया आ रही है हमारा, लेकिन जोश में नहीं आने का, बाइक को बंद करने का और चलने देने का है ना। क्यों है? हैं? किते? पीछे? पीछे किते? अरे पढ़ के। अच्छा। तारीख है? ना? चाल बच्चों। ओए मेरे को तो बाइक बंद करनी है भाई, पेट्रोल नहीं है हमारे पास। ओम ओम। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, हमारे जो आगे वाले टायर की हवा थोड़ी सी निकाल दी है, तो अब ठीक लग रहा है चलाने में। और ये देखो भाई साहब स्प्लेंडर स्प्लेंडर सुपर स्प्लेंडर 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 यूके। और अभी फिलहाल टाइम रखा है 12:15, तो 7 बजे तक का अभी हमारे पास टाइम है, तो देखते हैं कितने किलोमीटर कवर हो पाते हैं।
तो ये जी हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का रास्ता। तो भाई यहाँ पे जो सरदार है, सरदार, उन्होंने जो है हमें नहीं जाने दिया। वो कह रहे थे कि भाई कोविड की रिपोर्ट लाओ 72 आवर्स बिफोर पहले की। तो भाई सरदारों का नया रूल है भाई, देखो जो सरदार है जिसको बुरा लग रहा है लगने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो बात सही है वो सही है। भाई साहब आप उत्तराखंड में हो तो उत्तराखंड के जो नियम होंगे, जो रूल होंगे, आप उनको पालन करो। भाई हमारे पास टेस्ट है, हम जो इतनी जगह घूम रहे हैं तो भाई सरकार की परमिशन है तभी घूम रहे हैं, और इनके अल्पने जो है अलग रूल है भाई। भाई साहब बहुत ही बुरा हाल है भाई, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है भाई। तो भाई मैं तो ये कहूँगा जब तक ये चार धाम यात्रा का जो चला हुआ है तो ये खत्म हो जाए, उसके बाद ही भाई जाओ, अभी मत जाओ। ये देखो जी हर जगह खट 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 खट, ये भाई साहब तीन तीन लगी हुई है यहाँ। ये देखो तो शायद चली जाएगी भाई आराम से, पेट्रोल पंप तक चली जाएगी 300 साढ़े 300, मतलब 400 के लगभग ये चलती है। पिछली बार भी 400 प्लस चली थी और अब की बार भी आइडिया इतना ही है, मतलब 400 तो चली जाएगी आराम से। ये तो देख रहे ऊपर गाड़ी आ रही है, ऊपर उधर जाना भाई साहब। अब इसका मोशन जो है, मोशन बना रहना चाहिए भाई इसका, बस बाकी सब तो देखी जाएगी भाई। दोस्तों ध्यान से देखना मैं मतलब बाइक को कैसे चढ़ाते हैं, 100 cc बाइक को जो है चढ़ाने का तरीका क्या होता है, तो ध्यान से देखना भाई साहब। जब ऐसे मोड़ आते ना वो एकदम ऐसे ऐसे घूमते ऊपर की तरफ, तो वहां पे क्या तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखो मतलब रेस जो है पूरे, मतलब ऐसे पूरे लंबा लेना है इसको साइड से, साइड से क्या है थोड़ा सा आराम से चढ़ती है, मतलब जो चढ़ाई होती है वो आराम से होती है। अब बीच में से लोगे तो बीच में एकदम खड़ी चढ़ाई होती है। अब जैसे आगे से कोई नहीं आ रहा तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके, लेफ्ट राइट करके इसको चढ़ा दो। ऐसे ऐसे चढ़ानी है, बस ये थोड़ा सा आगे का भी ध्यान रखना है कि आगे से कोई आ रहा है नहीं, व्हीकल कोई आ रहा तो ठीक है जी। ये देखो जी फोर्थ गियर है, ये डाला थर्ड गियर रेस दी, और ये देखो जी बड़े प्यार से ऐसे चढ़ानी है। सात सौ सत्तर का इसमें पेट्रोल आया है, 9 लीटर 9.13 लीटर। तो जी ये जो पेट्रोल पंप है यहाँ से ये दो रास्ते जा रहे हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ये लिखा हुआ है हरिद्वार ऋषिकेश ऊपर, लेकिन आप नीचे से भी जा सकते हो। आएगा जोशीमठ शहर, जोशीमठ शहर के बीचों बीच से निकलेंगे हम। देख रहे भाई सब चढ़ाई, अब ये मान लीजिए यहाँ पहला दूसरा गियर, ये फिलहाल अभी दूसरे गियर में है। तो जी हरिद्वार ऋषिकेश, अरे अंकल जी श्रीनगर ऋषिकेश सीधा। सरदार जी रुक जाओ, छावनी बाजार जोशीमठ। भाई साहब मैंने अपने हेलमेट का वाइजर सुबह ही साफ करा था और इतनी देर में भाई साहब गंदा हो गया, मतलब दिख रहा है लेकिन काम चलाना पड़ रहा है भाई साहब, साफ करना पड़ेगा एक बार फिर से। ये देखो जी ऐसे जाम लगता है यहाँ पे पहाड़ों में, रास्ता छोटा सा, दोनों साइड गाड़ी पार्क और बहरा तक फिरा हुआ एक ट्रक। अरे भैया, अरे भैया जी चमोली 50
करण प्रयाग 81। ओ भैया अगर जिंदगी से प्यार है तो कम रखो रफ्तार। ये देखो जी, आपने पहाड़ देखे हैं कैसे कैसे, ये देखो सफेद पहाड़। ओ भाई ऊपर तो नहीं चलेगा जेसीबी भाई, भाई साहब ओ भाई चलो जी सेफली पार कर लिया हमने पहाड़। ये देखो पीछे सफेद, इधर देखो सलेटी और उधर ब्राउन, और आगे हरे भरे पहाड़। तो भाई चमोली में हम एंटर हो चुके हैं, ऋषिकेश 202 श्रीनगर 97। भाई साहब अच्छा लंबा जाम है। तो भाई अब खुला है जाम, यहाँ बता रहे थे कि आधे घंटे से जाम लगा हुआ था और 10 मिनट हमें हो गए, पौने घंटे बाद जाम खुला भाई। ये देखो भाई साहब, तो जी ये आ गया आपका नंद प्रयाग आ चुका, तो कर्ण प्रयाग भी थोड़ी सी आगे है, बस वो भी आ जाएगा, उसके बाद देखते हैं कर्ण प्रयाग में रुकेंगे या फिर आगे चलते हैं। तो जी देखो बाइक वालों को थोड़ा सा फायदा तो ये हो जाता है, गाड़ी वालों को रुकवा लिया जाता है। और ये देखो भाई, अरे रुक जाइए भाई रुक जाइए। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब बहुत बुरी हालत है भाई, बहुत बुरी हालत है आपके सड़कों की। ओ भाई ओ भाई, देखा आपने अभी पथिया भाई है। तो ये रानी खेत ग्वालदम 66। तो भाई हम सोच रहे थे करण प्रयाग से 4-5 किलोमीटर दूर जाके रूम ले, और ये इसलिए भाई क्योंकि अभी थोड़ा सा जो है रोशनी है, डे लाइट है, अभी जितना चल सकते उतना चले भाई साहब। भाई जहाज बना रखा इसने तो, ये तो भाई ये जो रोड बता रहे हैं रानी खेत वाला, जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं, तो ये रोड बता रहे भाई सही है, बढ़िया है, सिंगल रोड है और बढ़िया बता रहे हैं। तो देखो भाई कैसा रोड मिलता है, और अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा अपने रूम पे।